एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए और फिर जैसे वो हमारे घर की बहू बने तो फिर उसे अपना केस वापस लेना। तुम वापस कैसे? दरअसल ब्रो ने मेरी बेल करवाई ताकि गीत मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपने देव की बेल करवाई है? इसमें तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। आगे मगर मैं मगर क्या मान? अगर आपको ये सब करना ही था तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे? अपने भाई को बचाने के लिए मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो? आप भरोसे की बात करते हैं ना? क्या आपने एक बार भी मुझ पर भरोसा किया? अगर आप यही चाहते थे एक बार मुझे कहकर तो देखते। गीत, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। जो कानों से सुना है और आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। खून के रिश्ते को बचाने के लिए आप हमारा रिश्ता कैसे भूल गए? जिसकी पहचान आप ही से है, क्यों मुझे धोखा दिया आपने? सोच समझ के बोलो गीत, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। इससे ज्यादा और क्या पछताना पड़ेगा मान? जिस इंसान पर मैंने अपने आप से ज्यादा विश्वास किया वो मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है कि वो अपने भाई की जान बचा सके? गीत, ऐसी शादी मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था वो लोग वहां हैं। और आपने जो किया वो क्या किया मैंने? हाँ, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जाने दीजिए मुझे। इतने अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले मुझसे शादी करने की बातें करते और दूसरी तरफ अपने भाई को बचाने की कोशिश। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुमसे शादी कर रहा हूं एक को बचाने के लिए? एक बात बताओ गीत, जब तुम ऑफिस में गलतियां करती थी और मैं तुम्हारी मदद करता था, क्या इसमें मेरा कोई मकसद था? जब पार्टी के दिन तुम्हारी साड़ी फट गई थी और फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्या इसमें भी मेरे कोई मकसद था? नहीं था। लेकिन लेकिन क्या गीत, जब तुम ऑफिस में गलतियां करती थी, क्लाइंट्स को गलत फाइल्स पकड़ाती थी, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था, क्या इसमें मेरा कोई मकसद था? बोलो गीत। नहीं था। जब मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया, ये जानकर भी कि तुम प्रेग्नेंट हो, सारी दुनिया के सामने मैं तुमसे मंग नहीं करना चाहता था, क्या इसमें भी मेरा कोई मकसद था? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूं? तो कहिए ना, क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? अगर बोलने की इतनी जरूरत है तो मुझे कोई जवाब नहीं देना। तो
तुम्हें जाना है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आता हूं। खुराना अपने अपने भाई देव की जमानत करवा दी, अगर उसे छुड़वाना ही था तो जेल में क्यों डाला? मिस गीत, क्या आपको इस बात की खबर थी कि देव को आपकी मर्जी से रिहा करवाया गया है? कहीं इस वजह से मिस्टर खुराना आपसे शादी तो नहीं कर रहे? आप बिल्कुल सही कह रहे, आप बिल्कुल सही। मान सिंह खुराना इसलिए मुझसे शादी कर रहे, मान सिंह खुराना इसलिए मुझसे शादी, मगर देव पर लगाए गए चार्जेस मैं वापस नहीं लूंगी। चाहे इस लड़ाई में कोई मेरा साथ दे क्या ना दे, मैं देव को माफ नहीं करूंगी और इसमें मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मिस्टर खुराना, तो फिर इस शादी का क्या, क्या ये शादी हो रही है? बताइए मिस्टर खुराना, क्या आप दोनों कल शादी कर रहे हैं या नहीं? तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है, अब देखते हैं मेरे साथ के बिना तुम इस शहर में रहती कैसे हो। देख लीजिए,